हाय गाइस, आप देख सकते हैं ये छठ पूजा की तैयारियां हो रही है। माता छठ पूजा के लिए ये गर्मा गर्म पकवान बनाई जा रही है। तो गाइस, हम लोग 2-2:30 बजे निकलेंगे माता को अर्घ देने के लिए घाट पे। आप देख सकते हैं, मैं वीडियो की माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ, ये पकवान बनाई जा रही है आम का लकड़ी में। आम का लकड़ी से आग लगा करके बनाया जाता है। और ये मेरी भाभी है और वो मेरी माँ है। आप देख सकते हैं ये आदमपुर घाट है और सभी सदस्य लोग मिल करके यहाँ पर साफ सफाई। हाय गाइस, देख सकते हैं मैं अभी नाव में बैठा हुआ हूँ और सभी मित्रगण जो भी हैं, भाई बंधु सभी के साथ मैं थोड़ा सा सैर कर रहा हूँ, मुआयना कर रहा हूँ यहाँ पर कहाँ पे क्या चीज़ मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। तो गाइस बने रहें, देख सकते हैं एक बच्चा अभी छलांग मारा इधर। ये आदमपुर घाट है, सभी को देख सकते हैं किस तरह से मस्ती कर रहे हैं। छठ पूजा का समय है। ये आदमपुर घाट है। मैं सरवन साहब, बीजेपी भागलपुर बिहार से, माई आईडी भागलपुर ब्लॉगर सरवन। तो गाइस आप देख सकते हैं मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ समारोह में। छठ मैया की जय हो। छठ माई की जय हो। जय हो छठी मैया। देख सकते हैं भागलपुर बिहार से मैं सरवन साहब, बीजेपी माई आईडी भागलपुर ब्लॉगर सरवन। तो गाइस बने रहे, मैं वीडियो की माध्यम से आपको मनोरंजन करवा रहा हूं और दिखा रहा हूं। देख सकते हैं छठ पूजा का महाउत्सव मनाया जा रहा है। सभी बच्चे मगन हैं, खुश हैं और ये पानी में नहा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और सभी तैराक हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई तरह का दिक्कत, या माँ गंगे हम लोग के साथ में है, माता रानी छठ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस बने रहे, मैं वीडियो की माध्यम से आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। सब तैराक है, सब सेवा करने के लिए अपने अपने और पूरा यहाँ पे तैयारी हो गया है। घाट बना हुआ है, सभी को आने का इंतजार कर रहे हैं। सभी सदस्य लोग बैठे हुए हैं। हाय गाइस, आप देख सकते हैं मैं सरवन साहब, बीजेपी भागलपुर बिहार से, इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ भाई बंधु लोग के साथ नाव पर और पानी में सवारी कर रहा हूँ नाव पर। सब भक्त सबका सेवा में लगा हुआ हूँ, मैं दोनों भाई सब मेरे तैराक लोग भक्त सबके बचाने के लिए कोशिश में अपने अपने कला दिखा रहे हैं। डुबकी मार के कम से कम 15 से 20 मिनट लग रहे हैं भाई लोग की सेवा करने के लिए। हाँ गाइस, देख सकते हैं मेरे मित्रों को, सभी मेरे मित्रगण हैं, भाई बंधु हैं। छठ पूजा के समारोह में सब सेवा करने के लिए भाई लोग हैं। गंगा के बैंक घूम के देख रहे हैं कि गंगा में क्या कोई चीज का प्रॉब्लम नहीं ना है। सेवा करने
देखो पत्रकार बांस लेना हेलो बिजली बड़े हेलो बिजली बड़े ए बदली के लो जे अरे मैं हेल करेगा हेल जा देख सकते हैं मेरे एक तैराक और दौड़ते हुए आ रहे हैं वो अपना बैलेंस लेते हुए अपना तैरने की कोशिश करने लगे। हाँ अब जो है पानी तैरने लगे रे बेटा रे नहा भगाए लग लगे तैर के देखे मगर मचाने से मार मार देख सकते हैं गाइस ये आ गए सभी मिल के जाएंगे जा रहा हूँ मैं हम ही लोग लेकिन हम ही दिया वाल को जाए जो हम अजीत गंगा में हम लोग मस्ती ले रहे हैं कोई मतलब बच्चा उधर डूबेगा तो हम लोग हैं ना सहयोग में बिल्कुल बिल्कुल क्या बिल्कुल देख सकते हैं ये मेरे गणेश भाई हैं किस तरह से जंप मारे छलांग मारे और ये देख सकते हैं दूसरा तैराक तैयार हो रहे हैं ये भी अपना कलाबाजी दिखाते हुए और एक ये भी और एक ये भी गाइस देख सकते हैं किस तरह से मस्ती कर रहे हैं सभी छठ पूजा में और सभी अभ्यास कर रहे हैं और सभी तैनात रहेंगे कि किसी को कोई तरह का क्षतिग्रस्त ना पहुंचे क्योंकि बहुत ही बच्चे वगैरह आएंगे घाट पे नहाएंगे सुनाएंगे पूजा अर्चना करेंगे कहीं कोई तरह का क्षतिग्रस्त ना पहुंचे इसलिए सभी अपना तैनात हैं और हर एक साल की तरह रहते हैं हम लोग को इंडियन फोर्स का कोई जरूरी नहीं है हम लोग के पास तैराक ही है कि हम लोग सब वर्ग को सेवा कर सकते इंडियन तैराकी सही बोले भैया तो गाइस देख सकते हैं बच्चों में उत्साह इस तरह से दिख रहे हैं चल ना उधर ले लिए गोलाघाट चल ना फटफटिया वाला लेके गए ठीक है गाइस देख सकते हैं मैं सरवन साहब बीजेपी भागलपुर बिहार ये मेरा जोनी है कहाँ है जोनी ये मेरा जोनी के लाइए इधर भैया गाइस ये मेरा जोनी है नलायक जोनी माधर फुल का इसमें माधर से पत्याल मार ये जो है बचपन से गंगा जी में रहे हुए हैं तो गाइस प्यार बनाए रखे देख सकते हैं आप घाट पे।
पीछे से सब हाय गाइस, देख सकते हैं इसी पल का इंतजार था और वो पल आ गया। गाइस बने रहें, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और बेल घंटी बजाना ना भूलें। छठ माता का महापर्व हो रहा है, सभी श्रद्धालु यहां आए हैं पूजा पाठ करने के लिए। अर्घ अर्चना दी जाएगी, बहुत ही बड़ा पर्व है। सारे पूरा विश्व में ये पर्व मनाया जाता है, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो सभी। तो गाइस देख सकते हैं, मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं सरवन साहब बीजेपी भागलपुर बिहार से, माई आईडी भागलपुर ब्लॉगर। देख सकते हैं ये भागलपुर बिहार है। तो गाइस देख सकते हैं किस तरह से छठी मैया को पूजा किया जा रहा है, मैया को मनाया जा रहा है। घाट पर चारों बगल से घेर दिया गया है ताकि क्षतिग्रस्त ना पहुंचे, किसी बच्चा को कोई तरह का बाधा ना आए। गाइस देख सकते हैं किस तरह से ये भागलपुर बिहार में छठ मनाया जा रहा है। सभी भक्त में बहुत सारा उत्साह है, बहुत सारा खुशी का त्यौहार है और बहुत बड़ा महापर्व है। गाइस देख सकते हैं भक्त कितने सारे खुश हैं और बहुत ही उत्साह के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। पूरा विश्व में मनाया जाता है। ये भागलपुर बिहार है। मैं श्रवण साहब बीजेपी भागलपुर बिहार से, माई आईडी भागलपुर ब्लॉगर श्रवण। तो गाइस बने रहे, मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ।
देख सकते हैं ये भागलपुर बिहार है। छठ पूजा महाउत्सव महापर्व मनाया जा रहा है। सभी श्रद्धालुओं में बहुत सारा उत्साह है, बहुत सारा खुशी का त्यौहार है और ये पर्व मनाया जा रहा है। तो गाइस देख सकते हैं, मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं सरवन साहू बीजेपी भागलपुर बिहार से, माई आईडी भागलपुर ब्लॉगर सरवन। तो गाइस बने रहें। आज पहली अर्घ है गाइस, देख सकते हैं आज पहली अर्घ है। दूसरी अलग अर्घ कल होगी सुबह में, सूर्य निकलने तक। आदमपुर घाट की सजावट है, घाट पे सारा व्यवस्था दिया हुआ है भक्त लोग को छठ पूजा करने के लिए। ये लाइट बत्ती देख सकते हैं, ये आदमपुर घाट तक लाइट सजी हुई है। ये छठ पूजा का महापर्व महाउत्सव का सजावट है। तो गाइस देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं सरवन साहू बीजेपी भागलपुर बिहार से, माई आईडी भागलपुर ब्लॉगर सरवन। तो गाइस बने रहे। काली मंदिर की ओर और एक इधर है रास्ता। थोड़ा साइड दे आगे। अजीत
घाट पर का लाइट का सजावट दे दी है। भोग का तैयारी हो रहा है, यहाँ छठ माता का भोग लगेगा, सभी को खिलाया जाएगा। देख सकते हैं सभी व्यवस्था हो रहा है भोग का, माता छठ रानी को भोग लगेगा, खिचड़ी बनेगा, प्रसाद सभी सदस्य लोग मिल करके खाएंगे। हर साल की भांति ये साल भी तो गाइस बने रहे। देख सकते हैं रात्रि का समय है, सभी भक्तगण चले गए हैं घर पूजा करके छठी माई का, और हम लोग अभी व्यवस्था में भिड़े हुए हैं। खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा छठ माँ को, और सभी सदस्य मिल करके खाएंगे, और भी जितने आदमी हैं सभी आएंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। हाय गाइस, देख सकते हैं मैं आदमपुर घाट पे हूँ, अभी प्रसाद खा रहा हूँ और प्रसाद ग्रहण करूँगा, और सभी भक्त बैठे हुए हैं प्रसाद खाने के लिए, खिचड़ी का भोग लगा हुआ है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मोबाइल रखो पकड़ो। हाय गाइस, कैसे हैं? ठीक है। हाय गाइस, देख सकते हैं ये मेरी बेटी है खुशी रानी, छोटी सी प्यार बनाए रखे। मिलते हैं सुबह में, प्यार बनाए रखें, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, और बैल घंटी बजाना ना भूलें। हाय गाइस, देख सकते हैं मैं सरवन साहब बीजेपी भागलपुर बिहार से, माई आईडी भागलपुर ब्लॉगर। तो गाइस देख सकते हैं मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो बने रहें। यह दूसरा दिन आया हुआ हूं अर्घ देने के लिए, और आज निस्तार है माता रानी छठ का। तो गाइस फिर साल भर के ही बाद आएगी छठ, तो गाइस बने रहें, प्यार बनाए रखें। देख सकते हैं कितने सारे भक्त हैं, सभी आए हैं कमला कट के पूजा करने के लिए, माता रानी को अर्घ देने के लिए। ये भागलपुर बिहार है, साल भर के बाद ही माता रानी छठ का त्यौहार आएगा, पर्व आएगा। देख सकते हैं कितने भाव से सभी भक्त लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। गाइस देख रहे हैं निस्तार हो रहा है छठ माई का निस्तार।
अब अगले साल आएगी, अब एक साल के लिए इंतजार रहेगा माता रानी छठ का। गाइस देख सकते हैं निस्तार किया जा रहा है, यह छठ का दूसरा दिन है और सभी अर्घ दे चुके हैं और श्रद्धा पूर्वक निस्तार किया जा रहा है। अब अगला साल का इंतजार रहेगा। तो गाइस देख सकते हैं मैं वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ, मैं सरवन सा बीजेपी भागलपुर बिहार से, माई आईडी भागलपुर ब्लॉगर सरवन। तो गाइस बने रहे। गाइस देख सकते हैं मैं सरवन सा बीजेपी भागलपुर बिहार से, माई आईडी ब्लॉगर सरवन। तो गाइस देख सकते हैं ये नर सेवा नारायण सेवा, हर साल की तरह इस साल भी सभी भक्त का सेवा में भिड़े हुए हैं। यह दिनेश मंडल हैं जो अध्यक्ष हैं भाजपा का। तो गाइस प्यार बनाए रखें, देख सकते हैं चाय का व्यवस्था है। करते हैं उनका स्वागत करते हैं, साथ ही साथ आपसे आग्रह करते हैं थोड़ा सा प्रसाद हमारे समिति के सदस्यों को देते जाएं ताकि वह प्रसाद पाकर हम भी थोड़े के भागी बन सके। ये नर सेवा नारायण सेवा है, दिनेश मंडल भाजपा अध्यक्ष, हर साल की तरह इस साल भी सभी भक्त के सेवा में लगे हुए हैं। तो गाइस देख सकते हैं तो गाइस देख सकते हैं किस तरह से सभी भक्त का सेवा में भिड़े हुए हैं। ये अर्जित भैया हैं, अर्जित शाश्वत चौबे और दिनेश मंडल और सभी दोस्त भाईगण हैं उपस्थित। कार्यक्रम और जितने भी भक्त आते हैं और चाय का आनंद लेकर के अपना घर के ओर जाते हैं। तो गाइस प्यार बनाए रखें, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें।